गाइस, मैं हूँ शिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिमा स्टूडियो पे। तो आज मैंने पर्पल कट क्रीज किया हुआ है आई मेकअप और विथ एंजल विंग आईलाइनर। तो चलिए ये लुक कैसे मैंने किया है तो देख लेते हैं। इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे मैंने आईब्रो ड्रॉ कर लिया है और कॉन्सीलर भी अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट ब्यूटीऑल सेट पैलेट से मैंने डीप पर्पल कलर लिया है और जहाँ से मैं कट क्रीज का जो क्रीज एरिया है वो क्रीज लाइन को मैं ड्रॉ करूँगी या फिर वही पे ही मैं ब्लेंड करूँगी। आप जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं उसी का ही डीप कलर इस कट क्रीज एरिया पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपका जो कट क्रीज होता है बहुत अच्छे से उभर के आता है। तो मैं वही पे ही डीप कलर को अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं कार्निवल पैलेट से पर्पल कलर ले रही हूँ और ये पर्पल कलर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और आप देख ही सकते हैं। तो इसको मैं ब्लेंड करती हूँ और इस पर मैं एक बात ऐड करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं वीडियो दे नहीं पा रही थी। रीज़न है मेरे फ़ोन पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके चलते वीडियो कुछ कुछ वीडियो सेव नहीं हो रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लाइट पर्पल कलर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो पिंक से भी कर सकते हैं बट मैं पर्पल कलर पे ही आज रखना चाहती थी आई मेकअप, इसलिए मैंने दूसरा कोई कलर ऐड नहीं किया है। तो इसको अच्छे से एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हर्श लाइन ना दिखे। नेक्स्ट इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद सेम ही प्रोसेस से सेम ही कलर से मैं दूसरे वाले आई मेकअप को भी ड्रा कर लूँगी और चलिए दूसरे वाला भी कर लेते हैं। मेरे पिछले वीडियो पे मैं बोल देती हूँ जो आई डमी है मैंने डायरेक्टली खुद से नहीं ख़रीदा है, मेरे किसी रिलेटिव ने ही परचेस करवा दिया है मेरे लिए। तो मैंने बोला था उसको, उसने स्टोर से ख़रीदा है तो इसलिए मैं कोई लिंक और कुछ नहीं दे पाती हूँ। अभी तो अमेज़ॉन पे भी मिलता है बट वहाँ पर वो जो लिक्विड या फिर सॉल्यूशन है वो नहीं मिलता, बाकी आपको डमी मिलता है। अभी बजट थोड़ा कम हो ही गया है तो मैंने अमेज़ॉन से परचेस नहीं किया है या फिर कोई वेबसाइट से परचेस नहीं किया है, दैट्स वाई मैं लिंक नहीं दे रही हूँ। बट अमेज़ॉन पे आप अगर आपको अगर अच्छा रिव्यू मिल जाता है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, बट मैं फ्लिपकार्ट सजेस्ट नहीं करती क्योंकि उस पर कभी कभी फेक प्रोडक्ट भी आता है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं अमेज़ॉन से। तो मैं यहाँ पे सेम ही दूसरे साइड पे जो जो कलर मैंने अप्लाई किया है सेम वही कलर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। फार्मूला एक ही होता है, आपको कोई भी डीप कलर लेना है और उसको ब्लेंड करने के लिए उससे थोड़ा लाइट और उसको ब्लेंड करने के लिए उससे थोड़ा लाइट कलर आपको अप्लाई करना होता है ताकि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो। तो इस पे जब आप आई मेकअप करते हैं बहुत ही आई शेडो जो है वो डस्ट होता है तो आप उसको फूस से या फिर पंखे से किसी से भी हटा सकते हैं, उतना मैटर नहीं करता बट ग्लिटर पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कट क्रीज जो है वो कर रही हूँ। पूरा मैंने वीडियो बनाया था बट पता नहीं वो वीडियो मेरे फ़ोन पे सेव क्यों नहीं हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं डिलेंसी का जो शिमर शेड है बहुत ही अच्छा पर्पल शिमर है जिसका बहुत अच्छा पिगमेंट है तो मैं कट क्रीज एरिया पे बस वही यूज़ कर रही हूँ और इसका आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं विंग आईलाइनर ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लाइन बना रही हूँ। आप ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें, बहुत लोगों को मतलब विंग आईलाइनर उनसे होता नहीं है। सिंपल सा है कि आपको बस एक ब्रिज जैसा बनाना है, आप देख ही सकते हैं। सेम आप फॉलो करें और उसको अच्छे से अंदर से भर लीजिए। यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो जेल बेस भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छे से होता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और डमी पे आप जेल या फिर काजल कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट सामने की तरफ जैसे आप नॉर्मल लाइनर लगाते हैं सेम वैसे ही नॉर्मल रहने आपको देना है, इससे आपका विंग बहुत अच्छे से होगा। एक दिन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, आप दो तीन बार ट्राई करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा।
अच्छे से आपको लाइनर जब ड्रॉ करना है तो ध्यान से देखना है कि कहाँ पे कुछ बीच पे छूटा है या नहीं। तो आईलाइनर मेरा हो गया है, मैं लोअर लैश को ड्रॉ कर रही हूँ। मैं सेम ही आईलाइनर की मदद से हमेशा ड्रॉ करती हूँ, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक लेके आप इसे कीजिए तो, और मेसी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दिखता है आखिर में जाके। तो इसको मैं सेम वैसे ही दूसरा साइड पर भी मैं ड्रॉ कर लूँगी, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है फ़ोटो पे बहुत अच्छा लगता है, वरना थोड़ा खाली खाली सा एम्प्टी एम्प्टी सा दिखता है। तो यहाँ पे मैं लोअर लैश भी ड्रॉ कर ले रही हूँ और ऊपर मैं आई लैश यूज़ कर रही हूँ। इसका भी वीडियो था बट वीडियो सेव नहीं हुआ, पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक बिंदी लगा लिया है पर्पल कलर का, आप लुक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लिटर ऐड करना था तो मैं सेम ही डिलेंसी का जो पर्पल ग्लिटर है मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और होलोग्राफिक ग्लिटर है तो आपको फाइनल लुक दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।